मैं यहाँ बिजली घर आया था एक्सियन साहब के ऑफिस पे, और यहाँ विभिन्न मांगों को लेके हमने आज ज्ञापन दिया है एक्सियन साहब को, और उसमें मुख्य मांग ये है हमारी कि जो ओटीएस और जो जो ब्याज की और ओटीएस की छूट जो हुई थी बिजली विभाग में, एक मुश्त समाधान योजना जिसके तहत जो ये छूट हुई थी 65% हुई और फिर बाद में 60% हुई, तो उसका हमने सरकार ने जो इस योजना का हम स्वागत करते हैं सरकारी योजना, लेकिन उसमें डेट आज ख़त्म हो रही है 31 दिसंबर, तो हमारी मांग थी कि उस डेट को बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ रामपुर में लगभग 8,000 से ज़्यादा एफ आई आर हैं और लोग और 2 या 2,500 लोगों ने अब तक इसमें रजिस्ट्रेशन कराया और जमा कर चुके हैं। कई हज़ार लोगों को इस योजना का अभी तक मालूम भी नहीं हो पाया है, फ़ायदे की योजना है, जनता के फ़ायदे की योजना है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं चल पाया है। हम लगातार उस कोशिश कर रहे हैं, लोगों को घर घर जा कर कहलवा भी रहे हैं, कैंप भी लगा रहे हैं, हमने भी कई कैंप लगाए कि जिससे जमा हो जाए, तो लोग अभी तक सब लोग जमा नहीं कर पाए हैं, और हमारी मांग है कि 31 जनवरी तक इस डेट को बढ़ाया जाए और 30 जनवरी तक इस डेट को बढ़ाया जाए, कम से कम उन लोगों को मालूम हो जाए, वो लोग जमा कर सकें। दूसरी, हमने जो शहर में खंभे लगवाने के लिए हमने पहले भी कहा था और अब खंभे लगातार लग भी रहे हैं, उन खंभों में हम ये चाहते हैं कि जिन वार्डों में जिन सभासदों ने हमने कह रखा है खंभों के लिए, उन वार्डों में खंभे ठीक तरीके से नहीं लग पा रहे हैं। हमने अगर 20 खंभों का किसी वार्ड में कहा तो उसमें सिर्फ 2 ही खंभे लगे, और खंभा लग भी रहे हैं कुछ जगहों पे, तो उनकी हमारी रोडें ख़राब हो रही हैं उस रोड से, तो हम चाहते हैं कि वो रोड भी सही कराएं ये बिजली विभाग के लोग, और दूसरे उस खंभे और जर्जर तार जो हैं उसको बदलवाए जाएं, नए खंभे लगवाए जाएं। तीसरा, जो जिन लोगों के यहाँ बिल अगर 2,000 या 3,000 रुपये का है तो उनका बिल फ़ौरन उनका कनेक्शन काट दिया जाता है, उसके लिए मैंने कहा इसके हिसाब से कि उनको छूट दी जाए, अगर 3,000 या 4,000 का बिल है तो उनको 1,000 रुपये जमा करा के उनका लाइन नहीं काटी जाए, उनको नोटिस दे दिया जाए या उनसे कह दिया जाए कि अगले महीने जमा कर दें। क्या उम्मीद? मुझे उम्मीद है कि हमारी समस्याओं का समाधान होगा, जो जन समस्याएं हैं इनका समाधान होगा, और एक मुश्त जो योजना थी उसके लिए हम सबसे ज़्यादा गंभीर हैं कि वो योजना जो है वो चालू रहना चाहिए 30 जनवरी तक।